अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं तवे वाला कीमा। और तवे वाला कीमा किस तरह बनता है वो हम आपको साथ साथ बताते जाते हैं। सबसे पहले हमने इस पैन में आधा कप ऑयल डाल दिया है। अब हम चूल्हा ऑन करते हैं और इसमें डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। हम तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा ब्राउन होगा हम इसमें अपना कीमा डाल देंगे। हमने तकरीबन 3-4 पाउंड कीमा लिया है। ये लहसुन हमारा ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें कीमा डालते हैं। थोड़ी कम कर देते हैं, इसको मिक्स कर लें। कीमे ने हमारा तकरीबन कलर चेंज कर लिया है। यहाँ कीमा बहुत बारीक होता है, इतना मोटा मोटा कीमा नहीं होता जैसे पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान का तो मोटा मोटा कीमा होता है। अब इस स्टेज पे हम इसमें टमाटर डालेंगे। हमने 4 अदर टमाटर धो के काट लिए थे। इसको करते हैं मिक्स। और इसको हम ढक्कन दे के थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं ताकि ये टमाटर गल जाए। चलिए अब चेक कर लेते हैं। टमाटर हमारे गल चुके हैं, 20 मिनट हो गए। अब हम सूखे मसाले डालते हैं इसमें। हमने यहाँ लिया है 2 टीस्पून जो है हमने नमक लिया है, तकरीबन 1.5 टीस्पून हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून हमने हल्दी ली है, 2 टीस्पून हमने साबुत धनिया लिया है, 2 टीस्पून हमने क्रश पेपर ली है और 1 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है और 1 टीस्पून हमने ये चाट मसाला लिया है और 2 टेबल स्पून हमने कसूरी मेथी ली है एंड 2 चुटकी हमने ये ब्लैक सीड कलौंजी ली है। तो इन सबको हम इसमें डाल देते हैं। इनको मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें हमने ये 3-4 छोटी ग्रीन चिली काटी थी वो डाल देंगे। और साथ ही हमने ये 2 बड़े प्याज चाप किए थे वो भी डाल देंगे। थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर देते हैं साथ में। चलें चेक करते हैं। पानी तकरीबन सूख गया इसमें से। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। स्टेज
करके हम इसमें थोड़े से ये कटी मिर्चें जो हमने लंबी लंबी करके काट ली थी डाल लेंगे। थोड़ी सी गार्निश उनके बीच हो गई। वो फ्राइंग पेपर जो होती है वो नहीं तो कड़वी भी नहीं होती। नमक मिर्च वगैरह जो होती है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। जो कोई थोड़ा खाता है कोई ज़्यादा खाता है कोई खाता ही नहीं बहुत बहुत नमक खाते ही नहीं वरना मिर्च खाते हैं। वहाँ पर आप थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालो थोड़ा सा हम इसमें अदरक जीलिन स्टाइल में कटी हुई वो डाल देते हैं। इस स्टेज पे हम इस पे थोड़ी सी काली मिर्च छिड़क कर इसको दम पे रख देते हैं। इसको बंद करके इसको दम पे रख देते हैं तकरीबन कीमा हमारा रेडी हो गया है। हम इसका चूल्हा करते हैं बंद और इसको गार्निश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इसी में ही छोड़ते हैं, इसको डिश आउट नहीं करते, कढ़ाई में ही रहेगा। इसको हम गार्निश करते हैं धनिया से। थोड़ी सी हमने जो मिर्चें डाली हैं पहले और ये जिंजर से, तो कीमा हमारा हो चुका है रेडी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे हर आने वाली नया एपिसोड या रेसिपी टाइम पे मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।